फ्रेंड्स, मैं रिशद किचन में आपका स्वागत करती हूँ। और आज हम जो रेसिपी बनाने जा रहे हैं वो है पूरन पोली। पूरन पोली बनाने तो जो ज्यादातर लोग गुड़ी पुरवा, गणेश चतुर्थी और दिवाली पे बनाते हैं, और ये एक महाराष्ट्रीयन डिश है। शुरू करते हैं। चलिए, हमने इसमें क्या इंग्रेडिएंट लिए हैं वो देखते हैं। हमने एक कटोरी चने की दाल ली थी, छोटी कटोरी थी, जिसको हमने 3 घंटे के लिए भिगो दिया है। आधी कप देसी घी लिया है, 1 कटोरी आटा है, 1 कटोरी मैदा, गुड़ हमने आधी कटोरी ली है, चीनी आधी कटोरी, पिसी हुई इलायची ली है और पिंच भर नमक लिया और पानी लिया है इसको मारने। सबसे पहले हम चने की दाल को कुकर में उबलने के लिए रख देंगे। जैसे ही 1 सीटी आएगी हम गैस बंद कर देंगे। हमने इस कुकर में जो दाल भिगोई थी वो डालना है। अब हम इसमें 1 कप पानी है वो डाल लें। अब हम इसको गैस पे चढ़ा देंगे। 1 विसल आने पर हम गैस बंद कर देंगे। चलिए, हमने दाल चढ़ा दी है। अब हम आटा मारते हैं। आटा मार के हम 1/2 घंटे के लिए रख देंगे ताकि ये बहुत अच्छे से फूल जाए। मैंने 1 कटोरी मैदा लिया है और 1 कटोरी आटा है। आप चाहे तो आटे से बना लीजिए, चाहे मैदे से। अब इसमें हम चुटकी भर नमक डाल देंगे और मोइन डालेंगे। मोइन इतना डालेंगे कि लड्डू बने। अगर लड्डू बनेगा तो हमारी पूरन पोली बहुत अच्छी और सॉफ्ट और बहुत स्वादिष्ट बनेगी। आटा आपको रोटी की तरह मारना है क्योंकि हमें इसमें स्टफिंग करनी है। ये देखिए हमारा आटा कितना अच्छा मोइन हो गया। देखिए इसमें लड्डू बन रहा है। आप भी ऐसे ही बनाइए। अब इसमें मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटा मारूंगी। आटे को आप बिल्कुल रोटी की तरह ही मारिएगा। आटा जो आटा मार के हम इसको 20 मिनट के लिए रख देंगे। देखिए हमारा आटा कितना अच्छा मर गया। अब हमने इसमें थोड़ा सा घी लगा दिया। अब हम इसे ढक के रख, हमारी दाल हो गई। अब हम इसको एक छन्नी में छान लेंगे ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी इसी में ही आ जाए। फिर इसको हम ठंडा करके पीस लेंगे। ये देखिए हमने दाल को इस छन्नी में रख दिया ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए, और ये जब ठंडी हो जाएगी तब हम इसे पीस लेंगे। अब हम इसमें अपनी दाल पीसेंगे। आप चाहे तो मिक्सी में भी पीस सकते हैं। इसको ऐसे चलाते जाना है, ऐसे मुझे अपनी सारी दाल। चलिए, हम इसको पैन में डाल के पकाते हैं। ये देखिए हमारा पैन गरम हो गया। अब हम इसमें ये दाल डाल दे रहे हैं। दाल देखिए कितनी सूखी पिसी है। अब हम इसमें गुड़ डालेंगे। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून हमने घी भी डाल दे रहे हैं। हमने गुड़ डाल दिया और हम ये 1/2 कटोरी चीनी डाल रहे हैं। अब हम इसको भूनेंगे जब तक ये सूखेगा नहीं, क्योंकि बिल्कुल सूखा चाहिए, क्योंकि इसी से हमें भर के इसकी स्टफिंग करनी है। अगर गीला रहेगा तो फिर वो बिलेगा नहीं। तो इसको आप धीमी धीमी आंच पे थोड़ा भूनते रहिए। आपको आंच धीमी लगे तो थोड़ी तेज कर लीजिएगा। ये देखिए हमारी दाल कितनी अच्छी भुन रही है, और देखिए सूखती भी जा रही है और गुड़ भी मेल्ट हो गया। आप चाहे तो गुड़ को ग्रेट करके डाल दीजिए, उससे भी बहुत जल्दी गुड़ गल जाएगा। जब ये बिल्कुल सूख जाएगी तब हम इसको निकाल के रख लेंगे। अब हम इसमें थोड़ी सी पिसी इलायची 1/2 चम्मच है वो डाल लें। अब हम इसे भी भून लेंगे। देखिए दाल कितनी अच्छी भुन गई है। ये देखिए हमारी दाल अच्छे से भुन भी गई है, सूख भी गई है। अब हम इसे एक बर्तन में निकाल के रख देंगे ताकि ये ठंडी हो जाए। उसके बाद हम इसमें पराठे बेलेंगे इसके भर के। हमारी दाल अब ठंडी हो गई। अब हम इसके छोटे छोटे नींबू के तरे इसके गोले बना के रख लेंगे। ये देखिए हमारे आटे को रखे हुए 20 मिनट हो गए। आटा बहुत अच्छा फूल गया है। अब हमने जैसे चने की दाल के हमने जो गोले बनाए थे नींबू की तरह, वैसे ही हम इनकी भी लोइयां बना के रख देंगे। अब हम
हमने इनके गोले बना लिए, अब हम इन्हें बेलेंगे। इधर हमने गैस भी ऑन कर दिया, हमारा तवा गरम हो रहा है। अब हम इसको इस तरह बेलेंगे और ये जो हमने गोले नींबू की तरह बनाए हैं गोल गोल, उसको इसमें रख के थोड़ा सा परथन लगा के इसको बंद कर देंगे ताकि हमारी स्टफिंग बाहर ना निकले। और इसको बहुत हल्के हल्के हाथों से आप बेलिए। ऐसे ही हम ना दूसरा पराठा बेलेंगे और इसको धीमी धीमी आंच पे सेकेंगे। एक तरफ जब सेक जाएगा तब हम इसको पलटेंगे। ये देखिए हमारा एक साइड सेक गया है। अब इसको यहाँ पर हम घी लगा देंगे। हमारा पराठा सेक गया अच्छे से। और ऐसे ही हम अपनी सारी पूरन पोली तैयार कर लेंगे। ये देखिए हमारा पराठा सेक गया। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। ऐसे ही अब हम दूसरा पराठा भी, हमारी पूरन पोली तैयार है। देखने में जितनी सुंदर लग रही है उतनी खाने में भी स्वादिष्ट है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो आप जरूर बना के देखिएगा।